पर इतना भरोसा दिया, आप हमारे साथ हर कदम रहते हैं, तो 100% हम अपने बच्चों को कुछ अच्छा ही बनाएंगे और एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचाएंगे। हमारे बच्चे भी यहाँ से IAS बनके, डॉक्टर्स बनके, पायलट, इंजीनियर्स, ये सब बनकर निकलेंगे। सो थैंक यू सो मच। और माँ के लिए मैं कहना चाहूंगी कि माँ सबकी जगह ले सकती है। माँ कभी पिता का भी फर्ज निभाती हैं, सहेली भी बनती हैं, दादी नहीं होते तो दादी की तरह भी एक्ट करती हैं, है ना। हमारी सहेली भी बहुत अच्छी बन जाती हैं, लेकिन एक माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। जो सब्र एक माँ के अंदर है वो किसी के भी पास नहीं है। तो माँ को मैं आज सल्यूट करती हूँ। मेरे खुद की मदर इन लॉ माँ है वो मेरी, वो भी यहाँ है, नीलम प्रभा मैम हमारे साथ हैं। तो इन दोनों को भी मैं हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मुझे हर कदम से सपोर्ट करने के लिए। और जितनी भी माताएं आज यहाँ मौजूद हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे अखबारों में, मोबाइल में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि बहू और सास की नहीं बनती, है ना, बहुत बार हम ये सुनते हैं। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहूँगी कि वो भी माँ है हमारी। शादी के बाद ससुराल में जो हमें माँ, जो हमारे हस्बैंड की मदर है, वो भी हमारी माँ है। उतना ही प्यार हमें उनको करना चाहिए। और कई बार उनसे डांट भी हमें पड़ जाती है तो वो हमारे पेरेंट्स भी हमें लगाते हैं, और वो हमारी तरक्की के लिए होती है, हमारे कुछ अच्छे के लिए होती है। तो हम वो पॉजिटिव फीलिंग अपने अंदर रखें। और
लेकिन मुझे वो सपने नहीं मिले जो हम सबको जोड़ने में ढूंढ रहे थे।
बिस्तर की एक एक तह खोल दी, बिस्तर की एक एक तह खोल दी, लेकिन मुझे वो आंसू नहीं मिले जो तकिए के किसी कवर में गिर कर सूख गए थे, जो तकिए के किसी कवर में गिर कर सूख गए, किसी कवर में गिर कर सूख गए। ये लुका छिपी ठीक है माँ, हाँ ये लुका छिपी ठीक है माँ, जो छुपा दिया मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन कभी तू छुप गई तो मैं कैसे ढूंढ पाऊंगी माँ, मेरे पास तो सिर्फ आंखें हैं माँ, मैं तेरे जैसी दूरबीन कहाँ से लाऊंगी माँ, मैं तेरे जैसी दूरबीन कहाँ से लाऊंगी माँ। धन्यवाद। क्योंकि मेरा बचपन भी आपके बच्चों की तरह से रहा है, माँ की उंगली पकड़ के मैं खेत में जाया करता था, और जब वो घास का या हरे का, ज्वार का या बाजरे का भरोटा सर पे रख के लाती थी तो बड़ा अजीब सा लगता था कि कितना बोझ उसके सर पे होता था। जैसे ही वो भरोटा संभालती थी उंगली अपनी मेरी तरफ कर देती थी और घर तक वो उंगली मेरे हाथ में रहती थी। कभी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरे सर पे बोझ है या तू मेरे से बाहर है, दोनों हम साथ चल के। ये हिम्मत सिर्फ माँ में होती है। माँ के साथ हमेशा खेत में जाते थे। एक बार ऐसा हो गया कि मुझे भूख बहुत ज्यादा लग गई, मैं कहने लगा कि मुझे भूख लगी है। इतना सही था मैं पहले या दूसरी क्लास में। तो वहाँ खेत में जब खाने को कुछ नहीं होता है तो माँ फिर भी कोई ना कोई खोद करके ले आती है। उसमें बाजरे की सिरटी निकल रही थी और कच्चा कच्चा बाजरा शुरू हो गया था सिरटियों में। उन्होंने एक सिरटी को तोड़ा, मुझे बता दिया था कि करके पेड़ के नीचे छाया में, ये तो बैठ बैठे मैं भी कुछ करती हूँ तेरे लिए। और वो दोनों हथेलियों पे रगड़ करके वो इतना टेस्टी हरा बाजरा खिलाया उन्होंने कि कोई भूल नहीं सकता कि माँ तो हथेली पे सरसों पैदा कर दे, ऐसी होती है माँ। यहाँ पे मैं उनको समर्पित करता हूँ। उसको नहीं देखा हमने कभी, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। भाभी तेरा सूट तस्तरस है और मेरी भाभी भी सुतरी है और वो मेरा भाई है ना, कति बूढ़ा कालिया मराड़, हमारी जोड़ नहीं मिल रही है।